जय हिंद भाई, सारे कैंडिडेट्स में तो एक बार फिर आए थोड़े वास्ते बहुत ही वधिया अपडेट लैके। तो जो अपडेट है दोस्तों यार जी, पी ट्रिपल एस बी के वालों इतने आप वेट तो कर रहे थे पंजाब पुलिस भर्ती की, बट अज एक नवी भर्ती का नोटिफिकेशन जो है पंजाब गवर्नमेंट के वालों जारी कर दिया गया है। तो पोस्टा भी काफ़ी बंपर मात्रा के अनाउंस की गई है। इदा नहीं कि एक दो जी पोस्टा का नोटिफिकेशन जारी होया, 1000+ पोस्टा का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। तो वधिया गल यह है कि 10वीं पास कैंडिडेट इन्होंने पोस्टा वास्ते अपलाई कर सकते हैं। सो सब तो पहला चैक करने वास्ते पी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाना है। पहुंचने बाद अज वाला जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो तुम इस क्लिक करोगे इतों एक पीडीएफ जी है डाउनलोड हो जाएगी। सो इस पीडीएफ के मिलेगी थोड़ी पूरी इनफॉर्मेशन। नोटिफिकेशन एक ऑफ 2023 की पहली भर्ती के इस फॉर्म जो 28/2023 तो अपलाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट 28/2023 रहेगी। फीस माड़ी जी लेट भरना चाहते हो तो 3 मार्च तक आपकी फीस जी सबमिट करवा सकते हो। अगे चलते हैं दोस्तों पोस्टा की गल करते हैं। तो इन्होंने दो तरह की पोस्टा इतने कड़ी है, एक तो नगर निगम के पोस्टा ने ते एक नगर पंचायत के पोस्टा ने। ठीक है, तो पोस्टा भी दो तरह की, एक फायरमैन एक ड्राइवर ओपरेटर की। सो सब तो पहला नगर निगम की गल करते हैं, तो इस फायरमैन की जी 240 पोस्टा कड़ी है, ड्राइवर ओपरेटर की 70 पोस्टा कड़ी गई है। कुल मिला के नगर निगम के है जी 310 पोस्टा। ठीक है, उस तो बाद नगर कौंसल की गल करते हैं, तो इस फायरमैन की 751 पोस्टा कड़ी है, तो ड्राइवर ओपरेटर की 256 पोस्टा इन्होंने कड़ी है। कुल मिला के नगर कौंसल के जी पोस्टा कड़ी गई है जी 1007 पोस्टा कड़ी गई है। तो दोनों में जो आप मिला लीए तो 1317 पोस्टा जी एक ऑफ 2023 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जारी की गई है। अगर आप गल करेंगे इन की क्वालिफिकेशन से एज वगैरह का क्राइटेरिया, ठीक है, तो यह जी पोस्टा एक ऑफ 2023 के अकॉर्डिंग जी कड़ी गई है। एज का क्राइटेरिया सारी पोस्टा वास्ते सेम है, ध्यान सुन लो, 18-37 साल एज मंगी गई है जी जनरल कैटेगरी की। बट जो तुम पंजाब की किसी राखवीं कैटेगरी के आते हो तो थोड़ा छूट मिल जाएगी। तो कितनी छूट मिलेगी यह भी एक गल नोटिफिकेशन के मैनशन कर रखी है, सो तुम ध्यान देख लो। अगे चलते हैं क्वालिफिकेशन की गल करते हैं। 10वीं क्वालिफिकेशन इन्होंने मंगी है, ठीक है, तो 10वीं थोड़ी पंजाबी पास होनी चाहिए है। उस तो बाद आज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंडीशन थोड़ी ध्यान सुनियो। इन्होंने पता नहीं भी पी ट्रिपल एस बी बोर्ड तो मिसटेक होगी जा जान बुझ के इको ही स्टैंडर्ड रखे, ठीक है, मुंडे कुड़ियों का इको ही इन्होंने स्टैंडर्ड से फिजिकल टेस्ट रखे है। तो यह मैं तो आ ही लगता कि मिसटेक ही हो गई होएगी, क्योंकि कुड़ियों का तो मुंडिया का इको ही स्टैंडर्ड जो अजे तक किसी पोस्ट में आया नहीं। ठीक है, तो भूल हो भाई सुधार लेंगे, नहीं तो हो सकता आ ही स्टैंडर्ड हो इस अकॉर्डिंग थोड़ी तैयारी करनी पवे। तो स्टैंडर्ड सुन लो भाई, हाइट जी है 5 फुट 5 इंच मिनिमम हाइट, ठीक है, चेस्ट जी है वो 33.5, तो इस फुलाव चाहिए जी 1.5 का, आई 6x6। तो इतने गलत इन्होंने मैनशन करती कि जो कुड़िया का फिजिकल स्टैंडर्ड टैसट होएगा, इस सिर्फ हाइट तो आई चैक होएगी, कुड़ियों चेस्ट वगैरह चैक नहीं होएगी। तो उस तो बाद इतने है जी फिजिकल वाला थोड़ा सिस्टम फिटनेस वगैरह जिद चैक होएगी। इस 60 kg पत्थर का वेट चुक के 100 yard जड़ा वो दौड़ना होएगा या चलना होएगा, ये थोड़ी मर्जी है। ठीक है, तो यह समझ लो 100 मीटर तुम 60 kg वेट लेके तुरना है। तो कुड़िया वास्ते भी आही कंडीशन लागू होएगी, क्योंकि इन्होंने कोई वक्री स्टैंडर्ड अजे तक तो दिता नहीं। उस तो बाद आप कही कि तुसी पेड़ी दे ओ जड़ी पेड़ी कह लो पौड़ी कह लो, ठीक है, उसके 3-6 round तुसी लाने होंगे। उस तो बाद जड़ी जमीन तो 8-10 foot उच्चा जड़े पोल जे लगे होंगे उन्होंने पाइप लगी होंगी है, कई थान रस्सी होंगी है, ठीक है, उसके उत्ते तुरना होएगा। जे तुसी आर्मी की कदे तैयारी की है या तैयारी देखी है तो उत्थे चीज़ तुसी देखी होएगी। ठीक है, इस तरीके पोल लगे होंगे उन्होंने एक पाइप होंगी है तो उसके उत्ते चलना होंगे। ठीक है, जमीन तो 8-10 feet उच्ची होंगी है, इस दे उत्ते तुसी चलना होएगा। सो ये इतने कंडीशन लागू होएगी। एक बार मैं फिर थोड़ा दसदा कि इन्होंने कुड़ियों के मुंडिया का कोई वक्रा स्टैंडर्ड नहीं दिता, इको ही स्टैंडर्ड दिता है। हुण ये तुसी बोर्ड के नाल गल करके कन्फर्म कर लियो कि आही स्टैंडर्ड है जां कोई मिसटेक हुई है। ठीक है, ये गल तुसी कन्फर्म जरूर कर लो। तो आही कंडीशन दोस्तों होर पोस्टा से लागू होएगी, बस जी ड्राइवर वाली पोस्ट है उसके उत्ते एक होर वक्री कंडीशन लागू हो जाती है, तो वह है जी लाइसेंस की। ठीक है, थोड़ा लाइसेंस 5 साल या उस तो पुराना होना चाहिए हैवी व्हीकल का, तो तुम इतने फॉर्म जो अपना सबमिट कर सकते हो। दैन उस तो बाद आप गल करते हैं इन्हों पोस्टा की सैलरी, क्योंकि सैलरी भी भाई जरूरी है, उसका भी पता होना चाहिए। तो इन्होंने पोस्टा वास्ते दोस्तों थोड़ी जी सैलरी है, फायरमैन की 19,900 रुपये का पे स्केल है, तो ड्राइवर वास्ते है जी 21,700 रुपये का पे स्केल। तो जी एज की छूट है तुम इतों देख सकते हो, सारी कैटेगरिया एज की जी छूट है इन्होंने मैनशन कर रखी है। ठीक है, ओके जी, अगे चलते हैं हूँ फीस की गल कर लेंगे। तो फीस भाई जनरल कैटेगरी वास्ते है जी 1000 रुपया, ठीक है, तो जी एस सी बी सी ईडब्ल्यू एस कैंडीडेट उन्होंने वास्ते 250 रुपया, सबका फौजी तो आशिक 200 रुपया, तो हैंडीकैप कैंडीडेट जो है उन्होंने वास्ते 500 रुपया। तो नोटिफिकेशन भी थोड़ा साइट पर मिल जाएगा, ईजीली तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो थोड़ी जी गल कन्फर्म कर लो फिजिकल स्टैंडर्ड के टैसट की भी उत्थे फीमेल तो मेल वास्ते एक ही स्टैंडर्ड ये लागू कर रहे हैं या मिसटेक हुई है, यह गल तुम कन्फर्म कर लो। तो इस अलावा जो थोड़ा कोई डाउट हो तो मैंने कमेंट करके पूछ लो। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उदों तक के लिए रब रखा।